बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम मोहम्मद यासिर हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग इस वेबसाइट का फूटर बनाएंगे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस वेबसाइट की नेव बार बना ली थी, ये वाली नेव बार बनाई थी जो कि मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको इस तरह से शो होगी, टैबलेट वगैरह में तो इसका लुक कुछ इस तरह से हो जाएगा, और जैसे ही मोबाइल डिवाइसेस में आएगी तो इसका लुक इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली तौर पर रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर क्लिक करने से हैंड बर्कर पर हमारी जो नेवबार है वो बाहर आ जाती है और फिर क्रॉस का निशान आ जाता है। जब हम लोग क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो ये वापस चली जाती है। तो ये जो नेवबार है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में कम्प्लीटली तौर पर बनाई है, और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इस वेबसाइट का फूटर डिजाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज, तो मैंने जो है ना वही फोल्डर ओपन कर लिया है जो मैंने डेस्कटॉप पर बनाया था मियां वाली गोल्ड हाउस के नाम से, और उसके अंदर हम लोगों ने नेव बार को डिजाइन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक पेज बनाया था जो कि होम का था। उसके बाद हमारे पास एक यूटिलिटी का फोल्डर था, और फिर एक जेएस का, और फिर एक सीएसएस का फोल्डर था। और इसी फोल्डर को मैंने जो है वीएस कोड में भी ओपन कर लिया है, और वीएस कोड में भी हमारे पास ये सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, और यूटिलिटी का, और हमारे पास होम का जो पेज है वो हमारे पास मौजूद है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमें फूटर में चाहिए क्या। हमारा जो ये फूटर है इसमें क्या है, एक हमारे पास टेक्स्ट है और दूसरा हमारे पास इमेज है, और इमेज भी हमारे पास मौजूद थी क्योंकि ये इमेज हम लोगों ने नेव बार में यूज की थी। ठीक है, ये इमेज भी मौजूद है और ये टेक्स्ट भी हम लोग ले आएंगे, तो सिर्फ ये दो चीजें हम लोगों ने लेके आनी है। तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में, और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा अपने नेव बार वाली एचटीएमएल। ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों ने फूटर भी बनाना है। तो ये जो पार्ट है अभी इस पार्ट, ये जो है हमारा नेव बार, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फूटर। फूटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा फूटर टैग, और फिर उसके अंदर मुझे दो चीजें चाहिए। तो मैंने एक तो आईएमजी चाहिए जो कि यूटिलिटी नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी है। उसके बाद मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पी लिखूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा कॉपी वाइट। तो ये जो दो चीजें हैं ये हम लोगों ने लिख ली है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में ये चीजें किस तरह से शो हो रही है। मैं आ गया हूँ अपनी वेबसाइट में, और यहाँ पर मैं करूंगा रिलोड। रिलोड करने के बाद मुझे ये चीज मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक आया है इमेज और दूसरा आया है ऑल कॉपीराइट्स ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरे पास आ चुकी है वेब ब्राउजर में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने फूटर को करना है डिजाइन। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस यूज करेंगे। तो मैं सीएसएस ओपन कर लेता हूँ। ये जो सीएसएस है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो फूटर है, फूटर की जो इमेज है इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह बनाना है जो हमारी नेव बार की इमेज है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऊपर वाली इमेज को दी थी वही हम लोग इसको भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मैं जाऊंगा ऊपर। ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा हेडर और इसके अंदर मौजूद नेव इमेज, और इमेज पर ये प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं। तो यही प्रॉपर्टीज जो है ना मैं लगाना चाहता हूँ बिल्कुल फूटर और फूटर के अंदर मौजूद आईएमजी। अब मैं इसको करूंगा सेव। सेव करने के बाद जाऊंगा मैं अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे करूंगा रीलोड। तो वही सारी चीजें जो कि ऊपर वाली इमेज पर लगी हुई थी वही नीचे भी लग चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि इसको लेके आना है हम लोगों ने सेंटर पर। ये जो चीजें हैं, ये जो इमेज और ये जो टेक्स्ट है, ये दो चीजों को हम लोगों ने लेके आना है बिल्कुल सेंटर पर। तो ये चीज हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने नेव बार को और फूटर को प्रॉपर्टीज दी थी, कॉमन प्रॉपर्टी जो थी, यानी कि ये जो मैंने दी थी, एक मैंने दी थी हेडर को और दूसरी मैंने दी थी नेव बार, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने नेव बार और हेडर को दिया था। और साथ ही साथ मैं अब ये चाहता हूँ कि यही प्रॉपर्टीज मैंने फूटर में चौके लगानी है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा फूटर। और जैसे ही मैं यहाँ पर फूटर लिखूंगा और सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर रिलोड करूंगा, तो ये चीजें मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से सेंटर पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीजें मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने करना ये है फूटर को देना है बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पर इधर फूटर को कर दूंगा कॉपी, रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर मैं इसको लिख दूंगा। इसका जो पीजीसी है वो मैं कर देता हूँ उनकी ब्लैक, और यहाँ से मैं कलर पिकर की मदद से थोड़ा सा इसको जो है रेड देना चाहूंगा, तो मैं कुछ इस तरह से दे दूंगा। तो मैं इसको करूंगा कंट्रोल से सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा और रिलोड
अपलोड करूंगा, तो ये चीज मेरे पास आ चुकी है। अभी फूटर के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर मैं चाहता हूँ कि व्हाइट हो, उसका कलर व्हाइट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और फूटर में जाकर यहाँ पर कलर जो है वो मैं प्योर व्हाइट लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं जाऊंगा और देखूंगा रिजल्ट क्या आया है मेरे पास। तो मैं इसको करता हूँ रिलोड। रिलोड करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं जाऊंगा वापस। यहाँ पर हम लोगों ने सेव नहीं किया था, तो मैं कंट्रोल से यहाँ पर कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद अब मैं जाऊंगा ब्राउजर में और यहाँ पर करूंगा रिफ्रेश। तो अब मेरे पास जो है ये चीज आ चुकी है। अब मुझे जो है ना ये जो कॉपीराइट है ऑल कॉपीराइट रिजर्व, इसके और इमेज के जो दरमियान है थोड़ा सा फासला भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जो है ना इनको दे दूंगा जी पैडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं फूटर को करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इस नीचे लिख दूंगा मैं, लिखूंगा जी फूटर, ठीक है। फूटर के अंदर मौजूद जो IMG है और साथ ही साथ जो पैराग्राफ, उन दोनों को जो पैडिंग है ना उनकी काट दो जी। उनकी जो पैडिंग है वो टॉप और बॉटम से जो है ना वो 0 पिक्सल हो, और राइट लेफ्ट से क्या हो, राइट लेफ्ट से उनकी काट दो जी 10 पिक्सल, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। मैंने करूंगा इसको सेव, यहाँ पर जाऊंगा और इसको रिलोड करूंगा, तो ये चीज आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है ना उसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा फूटर, फूटर के बाद पी, पी के अंदर मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज लेना चाहता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट साइज लिखूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा जी 1.5 RM। यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जाऊंगा और देखूंगा, तो ये मेरे पास काफी अच्छा आ चुका है। मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं जो है इसका 1.5 के बजाय 1.4 करके देख लेता हूँ। कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव और अब जाके मैं रिलोड करूंगा, तो ये मेरे पास अब काफी अच्छा आ रहा है। तो हम लोगों ने जो है इस वेबसाइट का फूटर डिजाइन कर लिया है। अब हम लोग चाहते ये है कि ये जो फूटर है ये आता है वेबसाइट के बिल्कुल नीचे, तो इसको हम लोग नीचे कैसे लाएंगे, तो हम लोगों ने सिंपली जाना है फूटर वाले में। फूटर को हम लोग क्या करेंगे, फूटर की सबसे पहले जो पोजीशन है उसको हम लोग कर देंगे फिक्स, ठीक है। इसकी पोजीशन हो जाए फिक्स और क्या हो जाए इसकी जो विड्थ है ना वो रहे 100%, इसकी विड्थ चेंज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसका जो बॉटम है, ठीक है, इसका जो बॉटम है वो कर दो 0, ताकि ये आ जाए ये नीचे से बिल्कुल एक मतलब एक पिक्सल भी छूटा हुआ ना हो, तो 0 से मैंने बॉटम कर दिया, मैंने 0 बॉटम होना चाहिए मुकम्मल तौर पर 0। अब मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट को देखूंगा और यहाँ पर मैं रिलोड करूंगा, तो ये मेरे पास ऊपर से आ गया है नीचे। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक हम लोगों ने नेवबार बना लिया है, ठीक है, एनिमेटेड नेवबार जो कि रिस्पॉन्सिव भी है और साथ ही साथ हम लोगों ने ये चीज भी बना ली। अगर मैं इसको जो है छोटा करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली नेवबार तो हो गई है रिस्पॉन्सिव, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर नीचे देखें ना तो एक प्रॉब्लम भी हमारी वेबसाइट में आ रही है जो कि ये है, ठीक है, हमारी नेवबार जो है वो छुपी हुई है, वो छुपी हुई है और जब इस पर क्लिक करते हैं तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन वो क्या है, वो फूटर से नीचे है। नेवबार क्या है, फूटर से नीचे जा रही है, फूटर से एक तो नेवबार नीचे आ रही है और दूसरा ये क्या कर रही है कि जैसे इस पर मैं क्रॉस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे एक स्क्रोल बार आ जाता है जिस पर इस तरह का जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, ये चीज मैं रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पर मैं VS Code ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये हो गया छोटा, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, बनना मैंने ये है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ये जो स्क्रॉल वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, नेवबार तो हमारी छुपी हुई है, तो इसको मैं करूंगा ऐसे कि मैं यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ऊपर HTML के नीचे यहाँ पर मैं लगाऊंगा बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी क्या है, बॉडी हमारी ये है, ठीक है, जितना भी हमारा ये कंटेंट है, ये जो नेवबार है और ये फूटर है और ये जो नेवबार और फूटर के दरमियान जो भी चीज है, ये सारी की सारी चीज होती है बॉडी, बॉडी के अंदर है। तो इस बॉडी का मैं जो ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लो उसको मैं कर दूंगा हिडन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये विजिबल होता है जिसकी वजह से वो चीज आ रही थी। अब जब मैं इसको करूंगा रीलोड तो अब मेरे पास वो जो नीचे आ रहा था ना स्क्रॉल, वो चीज अब नहीं आ रही है। तो अब हमारे पास ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये नंबर आ गई, क्रॉस पर क्लिक किया ये नंबर चली गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इसको करता हूँ छोटा तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो नंबर है ये फूटर के नीचे आ रहा है, तो ये चीज हमें सबसे ऊपर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हेडर है ना, हेडर इसको इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस हम लोगों ने बनाई थी उसमें हम लोगों ने हेडर को देनी है एब्सोल्यूट की इंडेक्स वैल्यू। जब पोजीशन इसकी हो जाए एब्सोल्यूट तो इसका जो जेड इंडेक्स है, इसका जो जेड इंडेक्स है वो कोई बड़ा नंबर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 100 लिख देता हूँ और फिर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिलोड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने अगर इसको जो है ना
हैंड वर्कर पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गई हमारे पास ऊपर। अब देखो, अब जो हमारे पास नेवबार आई है वो आई है फूटर से ऊपर, ठीक है, फूटर के ऊपर आई है, ना कि फूटर के नीचे। पहले क्या आ रही थी, फूटर के नीचे आ रहे थे। तो ये प्रॉब्लम भी एक हमारा सॉल्व हो गया है। और दूसरा ये था कि स्क्रोल आ रहा था, तो वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो इतना जो है ना हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखना था। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बनाया है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नेव बार की कुछ प्रॉब्लम थी वो मैं हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और उसके अलावा एक फूटर बनाया है। उसके अलावा मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी नेवबार है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये पहले मैंने ब्लैक रखा था, फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया। जो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, उस वीडियो में मैं दो चीजें मिस कर गया था। एक तो बैकग्राउंड कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको चेंज कर लिया है। मैंने उसको चेंज कैसे किया है, मैं सिंपली जो है गया हूँ इसके बैकग्राउंड कलर पे, ठीक है, जो कि हेडर का कलर था, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसको ये पड़ा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया है और यहाँ पर रेड की तरफ ले आया, रेड डार्क, जो रेड डार्क है ना, थोड़ा सा रेड और डार्क, वो चीज मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। दूसरा और क्या किया है, और मैंने ये किया है कि जो सब्सक्राइब अस था ना, उसको मैंने जो अस था वो मैंने खत्म कर दिया, और इन चीजों को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है, सब्सक्राइब को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। और जो जो भी चीज एक्टिव होगी ना, जो भी एंकर टैग एक्टिव होगा, या फिर उसकी जो हवर स्टेट है, हवर स्टेट और एंकर हवर स्टेट और जो उसकी एक्टिव स्टेट है वो मैंने कर दी है, उसमें मैंने फॉन्ट साइज को कर दिया बोल्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल्डर लगा दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा बोल्ड होगा सब्सक्राइब, फिर उसके बाद होगा जो भी एक्टिव होगा, ठीक है, और सबसे जो कम होंगे वो डीएक्टिव होंगे, ठीक है, ये चीज कर ली है। और उसके अलावा मैंने क्या किया, उसके अलावा मैंने ये किया है कि जो मेरा फॉन्ट, जो मेरा फॉन्ट था जो कि मैं इंटरनेट से लेकर आया था, उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट जो कर रहा था वो मैंने खत्म कर दिया। वो मैंने खत्म क्यों किया, वो मैंने डाउनलोड कर लिया, जो भी मैंने फॉन्ट फैमिली इस वेबसाइट में यूज की थी वो सारी की सारी मैंने डाउनलोड कर ली थी। डाउनलोड मैंने कैसे किया, फॉन्ट गूगल फॉन्ट पर मैं गया हूँ, वहां से मैंने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये दो जिप फाइलें आ गई थी, ठीक है, ये मेरे पास पोपिंस का है और ये जो है पैसिफिक फियोसो का है, और ये दो चीजें जो है ना ये मेरे पास फोल्डर आ चुके थे, तो इनके अंदर मैं गया हूँ और जितने भी फोन्स पड़े थे उनको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सी ड्राइव में गया हूँ, यहाँ पर विंडो में गया हूँ, और यहाँ पर मैंने फोन्स के अंदर इनको पेस्ट कर दिया है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये इंस्टॉल हो गए, और रिस्टार्ट करने के बाद जो है मुझे यहाँ पर इसका रिजल्ट शो हो गया ऑफलाइन, ठीक है। सो मेरे कंप्यूटर में जब नेट नहीं था, जैसे कि अभी मेरे कंप्यूटर में नेट नहीं है, तब भी मेरी जो ये वेबसाइट है इसके अंदर जो फॉन्ट है वो उसी तरह लगा हुआ है, तो इसीलिए जो है ना मैंने डाउनलोड किया है। तो आप लोग ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। तो आज का ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी अगर हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस देखें तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कुछ इस तरह से है, जैसे ही हम लोग इसको छोटा करते जाते हैं तो 1000 से जैसे ही छोटा होगा तो तमाम के तमाम टेक्स्ट अपने आप छोटे हो जाएंगे। एक तो सब्सक्राइब भी छोटा हो गया, ये सारा टेक्स्ट भी छोटा हो गया, और नीचे फूटर का टेक्स्ट भी छोटा हो चुका है। और इसी तरह हम लोग जैसे ही जाएंगे फोन में तो ये चीज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने से ये चीज चली जाएगी। यहाँ से इसको छोटा करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये चीज फोन में जो ये वेबसाइट है ना ये कुछ इस तरह से नजर, यहाँ पर क्लिक करने से ये चीज बाहर, और फिर यहाँ पर क्लिक करने से ये चीज अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।